अबे ओ मेरी ना वहां पे गाड़ी खड़ी है 18-19, जाकर उसकी पार्किंग की पर्ची काट दे। सुनाई नहीं देता क्या, बहरा है क्या? तुझे ही बोल रही, जाके पार्किंग की पर्ची काट। अरे तो मैडम जाके पर्ची कटवा लो ना। मैं क्यों जाके कटवाऊ, पार्किंग की पर्ची तो तू ही काटेगा। अरे मैडम ये ना मेरा काम नहीं है, जिसका काम है उसी को जाके बोलो। आप मेरे को आके बोल रहे हो गाड़ी की पर्ची काट दे। ओ हेलो, तेरे हुलिये से तो लग रहा है कि तू ना गाड़ी की पर्चियां ही काटता है। और वैसे भी दूसरों की गाड़ी के आगे चौड़ा हो रहा है क्या? और क्या छेड़छाड़ कर रहा था दूसरों की गाड़ियों से तू? दूसरों की गाड़ी? अरे मैडम मेरा ना पहले इतना सिर दर्द हो रहा है, आप जाओ यहाँ से। अच्छा, एक तो इतनी दूर से धूप में चल के पैदल मैं यहाँ तक आई हूँ, और ऊपर से तू मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है। देख चुप करके ना, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है, चुप करके पार्किंग की पर्ची काट दे। देखो मैडम मैंने तो आपको बोला नहीं कि आप धूप में चल के यहाँ पे आओ और मेरे साथ बकवास करो? वैसे भी ना ये मेरा काम नहीं, आप अपनी जाके पर्ची कहीं और कटवाओ। अच्छा तू मुझे सिखाएगा कि मैं बकवास कर रही हूँ? देख मेरा ना पहले ही बहुत दिमाग खराब हो चुका है, और मत कर। और वैसे भी क्या औकात है तेरी, तेरे पास तो साइकिल तक नहीं होगी, दो कोड़ी की साइकिल वाला। जाके गाड़ी की पार्किंग की पर्ची काट दे, वरना नौकरी से भी जाएगा। देखिए मैडम सबसे पहले गलती तो आप यही कर रहे हो कि एक साइकिल वाले को दो कोड़ी का बोल रहे हो। मैडम आप ना यहाँ से जाओ, आप अपनी पर्ची वहीं जाके कटाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरा मन तो ऐसा करे तेरी चप्पल उतारना, तेरे मुंह पे बजाऊं। ओ मैडम आज तक ना किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरी चप्पल उतार के मेरे मुंह पे मार के दिखाएगा। मेरे अंदर हिम्मत है, मैं ये करके दिखा सकती हूँ। चुप करके गाड़ी की पार्किंग की पर्ची काट रही है, तेरी कंप्लेन करूं? आपको पता भी है ये पूरा एरिया और ये गाड़ी ये जगह किसकी है? मालिक से क्या लेना, वैसे भी तू तो नहीं है ना मालिक, तो इतना क्यों चल रहा है तू? ओ हेलो मैडम बहुत हो गया आपका, ये गाड़ी और ये जगह ना सारी मेरी है, यहाँ का मालिक मैं हूँ। और इतनी देर से आप मुझे सुनाई दे रहे हो कुछ भी कि ये गाड़ी की पर्ची काट दे, ये दूसरों की गाड़ी पे वगैरह वगैरह। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ ये जगह और ये गाड़ी मेरी है। तो फिर तुम ऐसे ये सब नीचे बैठ के और ऐसे कपड़े? देखिए मैडम कपड़ों से ना कुछ नहीं होता है, जो जितना अमीर होता है ना उतना ही वो सिंपल रहना पसंद करता है। और वैसे भी मैडम दिखावा करके क्या करना है, आप जैसे लोग हो तो सही दिखावा करने के लिए। और मैडम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अब यहाँ से ना निकलो, आपकी गाड़ी की पर्ची क्या, आपकी गाड़ी भी नहीं खड़ी होने दूंगा, अब निकलो यहाँ से। सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि आप गाड़ी की पार्किंग की पर्ची काटते हो और कपड़े भी आपने ऐसे ही डाल रखे थे, मैं जाती हूँ, सॉरी। निकलो, और तुम जैसे लोग ना माफ़ी के लायक भी नहीं हो।